हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ घर में खोआ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ये खोआ बनाना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए खोआ बनाना शुरू करते हैं। इसे मावा भी कहा जाता है। खोआ बनाने के लिए मैंने ये फुल क्रीम मिल्क लिया है, ये 1 लीटर है। 1 लीटर मिल्क का मैं खोआ निकालूंगी। अब इसे मैं एक पैन में निकाल लेती हूँ। दूध को मैंने एक पैन में निकाल लिया है और गैस के फ्लेम को तेज़ आंच पे रखा है। अब इसमें मैं एक उबाल आने दूंगी। खोआ निकालने के लिए फुल क्रीम मिल्क अच्छा होता है। वैसे तो आप किसी भी मिल्क का निकाल सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम मिल्क होता है तो उससे मावा बहुत अच्छा निकलता है। अब इसमें उबाल आने देंगे। दूध को थोड़ा सा हम चला देंगे, नहीं तो ये हमारे तली से चिपक जाएगा। घर में निकाला हुआ ये खोआ बहुत ही शुद्ध होता है। मिलने तो ये मार्केट में ही मिलता है, लेकिन मार्केट का खोआ शुद्ध नहीं होता है। उसमें मैदा, अरारोट वगैरह मिले हुए होते हैं, तो उससे हम जो भी मिठाई बनाएंगे तो वो मिठाई बहुत अच्छी नहीं बनती है। और घर का खोआ बहुत ही अच्छा, बिल्कुल फ्रेश होता है। ये खोआ निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, दूध में हमारे बबल आ गए हैं, दूध उबलने लग गया है। जब कोई भी पर्व आता है, त्यौहार आता है और हम मिठाई बनाते हैं, तो मिठाई बनाने में हमें खोए की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आपका तुरंत खोआ फ्रेश तरीके से घर में बन जाएगा और आप अपनी मनचाही मिठाई बना सकती हैं। इसे बीच बीच में थोड़ा सा हम चला लेंगे। अभी मैंने गैस के फ्लेम को तेज़ी रखा है, अब दूध में उबाल आने लगा है। अब इसके फ्लेम को कम कर देंगे, नहीं तो दूध हमारा पैन से बाहर आ जाएगा। और इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। देखिए, दूध में उबाल आ रहा है, गैस के फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और इसे बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे। ऐसे मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है, इसमें नीचे नहीं चिपकते हैं। लेकिन आप स्टील के बर्तन का यूज़ करिएगा, अल्मोनियम की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई का यूज़ करिएगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें खोआ हमारा चिपके नहीं, नहीं तो वो जल जाएगा और फिर खोए का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से चलाते चलाते हम दूध को गाढ़ा कर लेंगे और बिल्कुल कम फ्लेम नहीं रखेंगे। इसे हम हाई और लो के बीच में रखेंगे, लेकिन इस पर नज़र रखिएगा कि कहीं दूध हमारा पैन से बाहर नहीं आ जाए। खोआ बनाना बहुत आसान है कि आप एक साइड खाना बनाते बनाते भी आप खोआ निकाल सकती हैं। देखिए, दूध हमारा कितना तेज़ी से उबल रहा है और साथ साथ में किनारे में भी मलाई जम रही है, इसे भी आप छुड़ाते जाइएगा। अगर आपके पास दूध कम है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर भी मिला सकती हैं, लेकिन मिल्क पाउडर को इसमें डायरेक्ट नहीं डालना है। आप पहले थोड़ा सा दूध में बाहर मिल्क पाउडर को घोल लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें डालिएगा। डायरेक्ट इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे तो सारा दूध में गांठ पड़ जाएगा। दूध मैंने कितना ज़्यादा लिया था, लेकिन दूध भी बहुत कम हो गए हैं। धीरे धीरे दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। आपको जल्दी रहे तो आप इसी तरह से बनाइए, और जल्दी नहीं रहे तो आप इसे लो फ्लेम पे करके छोड़ दीजिए और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। देखिए, हमारा खोआ में अब दूध में अब दाना बनने लगा है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें दाना बन गया है। अब इस खोआ से आप कोई भी मिठाई बनाइएगा तो आपका बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि ये प्योर, बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप गुलाब जामुन बनाइए, खोए की बर्फ़ी बनाइए या कोई भी मिठाई बनाइए, इससे पेड़ा बहुत अच्छा बनेगा। घर में कोई पूजा है, आप इससे तुरंत पेड़ा बना लीजिए। पेड़ा बनाना भी बिल्कुल आसान है। दूध हमारा कितना कम हो गया है। क्रीम मिल्क लेते हैं तो खोआ हमारा क्रीमी क्रीमी बहुत अच्छा बनता है। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली पे हर घर में मिठाइयाँ बनती है। आप इस तरह से खोआ निकाल कर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसे मैंने लगातार चलाते हुए बनाया तो ये बहुत जल्दी बन गया है। आप भी लगातार चलाते हुए बनाइएगा, ये बहुत जल्दी बनेगा। देखिए, थोड़ा सा इसे और सुखाएंगे, अभी तो ये बहुत गीला है, थोड़ा इसे और सुखाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा बना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप उसी में बनाइएगा, उसमें तो ये और भी बहुत अच्छे से बनता है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होने लगता है, थोड़ा इसके छींटे उड़ने लगते हैं, थोड़ा आप संभाल के करिएगा, ये छींटा कहीं आपको ना लग जाए। दूध हमारा पूरा सूखते चला जा रहा है। देखिए, अभी ये देखने में हलवा के जैसा लग रहा है। अब गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा देर इसे और सुखाएंगे।
खूब ज़्यादा भी नहीं सुखाएंगे क्योंकि ये ठंडा होकर भी और सूखता है। बस 2 मिनट इसे और अब पक इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। आपको चलाते हुए बस ये ध्यान रखना है कि आपका खोआ नीचे से जले नहीं, नहीं तो पूरे खोए में जलने की बू आ जाएगी। खोआ हमारा बन गया है, इसे अब मैं और ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी कि क्योंकि ये ठंडा होगा तो और भी सूखेगा ये। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने पर ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि खूब सुखा दूँगी तो वो ठंडा होके और भी बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। कितना अच्छा हमारा ये खोआ बना है, बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाइएगा। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। कितना अच्छा हमारा खोआ बन के तैयार हो गया है, देखिए ये ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा ये बना है। आप इसी तरह से बनाइएगा और बना के रख लीजिएगा, और आपको जो भी मिठाई बनाना हो आप इस खोआ से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश है ये। चलिए फ्रेंड अब मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।